से सब है। Okay, sir. So you are here for promoting award function. So how excited are you for this? I am very excited because 4 साल प्लस हो गए जी टीवी और बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ ये जो रिश्ता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है एंड दिस इज़ द फिफ्थ जी रिश्ते अवार्ड्स दैट आई एम अटेंडिंग सो इट फील्स रियली वेरी वेरी स्पेशल एंड इट फील्स लाइक होम जब भी मैं यहाँ आता हूँ सो जी रिश्ते अवार्ड्स को प्रमोट करने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड हम शूट कर रहे हैं इट्स बेस्ड ऑन ओलंपिक्स तो बहुत बहुत फन हम लोगों ने किया गेम्स खेली कम्पीट किया सारे शोज जो है उसमें से दो दो एक्टर्स आए एंड एक दूसरे के साथ कम्पीट किया सो इट्स ऑलवेज फन टू शूट फॉर जी टी वी एंड जी रिश्ते अवार्ड्स प्रमोशनल इवेंट्स ओके सो आपने जैसे मुझे कहा कि आपने गेम खेले तो कौन सी गेम खेले और आप जीते हारे क्या वी मैनेज्ड टू विन सिल्वर टुडे एक तो प्ले एंड पॉज गेम थी जहाँ पे आपके यू नो मुंह में और दोनों हाथ में स्पून्स है लेमन है सो आपको जब म्यूज़िक बजता है जब प्ले होता है यू हैव टू रन और जब पॉज होता है तो वहीं पे यू हैव टू हॉल्ट और सामने एक यू नो एक वेसल था जहाँ पे आपको सारे लेमन्स डालने तो जिसके सबसे ज़्यादा लेमन्स है जो सबसे ज़्यादा लेमन्स कलेक्ट करेगा वो जीतेगा और फिर एक और इंटरेस्टिंग गेम थी जिसमें मैं थोड़ा सा मैं इंजरी भी हो गई मुझे हाथ पैर सब कुछ टाई कर दिया एंड चेयर पे बिठा के हाथ पैर सब कुछ टाई कर दिया और सामने आपकी पार्टनर खड़ी हुई है सो वो भी टाइड है सो आपको किसी तरह स्ट्रगल करके चेयर के साथ उस तक पहुंचना है और उसके हाथ ओपन करने वो आपके हाथ ओपन करेगी एक दूसरे को अनटाई करना है बेसिकली और फिर बजर को प्रेस करना है सो वो कितने टाइम में आप कंप्लीट करते हो वो एक गेम थी सो ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग 3-4 गेम्स थी एंड इस वाली गेम में मैं चेयर से गिर गया एंड थोड़ा सा क्रैम्प आ गया पैर में बट टॉकिंग अबाउट द शो यू कंप्लीटेड 4 इयर्स विद कुलदीप भागे सो टेल अस समथिंग अबाउट दिस जर्नी दिस जर्नी हैज़ बीन अ मैजिकल वन आई फील ब्लेस्ड एंड आई जस्ट वॉन्ट टू शो ऑल माई ग्रेटिट्यूड टू द ऑलमाइटी माई पेरेंट्स ऑल द व्यूअर्स एंड फैंस ऑफ कुंडली भाग्य बिकॉज सब लोग जानते कि मेरे लिए खास करके ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल जर्नी रही है आज मैं अगर यहाँ पर हूँ जो भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इस शो बाजी टेलीफिल्म जी टी वी एंड व्यूअर्स की वजह से हूँ Okay, so recently you started your second inning also. So how's life going on after that inning? Yaar, personally and professionally, it has been going great, God's grace. Personally and professionally, it has been going great because personally I got married a month back. Yeah. And professionally, I re-entered the show. Yeah. So not just re-entered, but re-entered with a bang, completely new look, new avatar. So the response has been amazing. So now Prithvi is not like he used to be before. He is now the ruler of Luthra House and you know it has been little tough, little challenging because 4 saal se wo jo main kirdaar nibha raha tha ab totally alag ho gaya hai. Okay, so talking about 2021, after few days 2021 is going to end. So how you are looking forward for 2022? 2022 बेसिकली हर साल मैं कोई रेजोल्यूशन नहीं लेता बिकॉज मेरा लाइफ में मोटिव एम टारगेट बहुत क्लियर है कि मुझे अपने पेरेंट्स को अपने वेल विशेस को प्राउड फील कराना है सो एक ही चीज़ मैं यू नो ईयर एंड पे अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ कि पिछले साल से अब मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा बस बाकी सब तो सही है थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच So I'm audible, right? So ये मेरी प्यारी सी टीम है
एंड आज 2021 का आखिरी दिन है, माई लास्ट वर्किंग डे ऑफ द ईयर. सो आई जस्ट वॉन्ट टू शो ऑल माई ग्रेटिट्यूड टू माई सुपर एफिशिएंट टीम. दी इज रुपेश भाई, माई बिजनेस मैनेजर एंड माई एल्डर ब्रदर. सो थैंक यू एवरी वन. थैंक यू सो मच. बाइट्स अभी ले लेते हैं. Okay, ma'am, so you are here for one interesting thing, so tell us something about it. Okay, so I'm here for the Zee Rishte Zee Olympics, and it was a lot of fun. We already finished filming it. We met a lot of different people from different serials, and we played games with them. Main buri tarah se haari hu, lekin games khelne mein bahut maza aaya. And yeah. Okay, so apart from your show, there are so many people coming up from Z. So kisse kisse mulaqat hui ab tak? So I met everybody. I met the characters from Kunni Bhagya and Kumkum Bhagya. I was sitting next to the characters of Meet, so I talked to them a lot. So it was really fun hanging out with them, because वैसे time नहीं मिलता. And हमारा shoot होता है साकीनाका में, and इन लोग का shoot होता है नाईगांव में, so we don't really get to meet. But वैसे जब हम जी रिश्ते के लिए मिलते हैं तो बहुत मज़ा आता है. Okay, so as you said, there were lots of game played inside. So what was the game and you won it, you lost it? I can't tell you that, but I can give you a sneak peek. One of the game involves chairs and ropes and bachao. That's all I can give you. Okay, so your show is doing really well, and thank talking about you. Your character is also doing really well. So thank tell you. Us something, how you are looking forward for your character. So I am Munira Kudrati, and my character name is Shalu Bajwa. Yeah. And so up till now you have seen the good side of Shalu, where Shalu is also sweet, but she also takes a stand for her sister. But now that the tables have turned, which you all will see in the next episode, you all will get to see the side of Shalu that you all have not seen before, the angry side, the side where she faces betrayal from not only one but a lot of people in her life. So wo aap dekhoge, aur I hope aapko bahut acha lage. Okay, so today you are here in Indian Wear. So tell us something about your look. So my look, I have been styled by Tripti ma'am. She is our stylist on set, and she has styled me in this gorgeous blue color. I usually don't get this color, so I'm very thankful that I really like this color. And also, aaj mere baal different. When I'm Shalu Bajwa, we are from the village. हम विलेज से आए हैं, तो हमारा हेयर बहुत नॉर्मल होता है, हमारा मेकअप बहुत नॉर्मल होता है, बहुत लाइट होता है. बट आज मैं ट्रेडिशनल्स में हूँ, और बहुत ज़्यादा हेयर और मेकअप है तो जी. एंड यर दिस इज आयुष. हाय. सो सर, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट टुडेस गेम शो? ओह यार, हाँ, वी रॉक्ड इट. नो, आई ऑलरेडी टोल्ड देम. मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हमने कितना गंदा परफॉर्म किया. नहीं, गंदा कोई परफॉर्म नहीं किया, परफॉर्म अच्छा किया था. हार गए कोई बात नहीं यार, मतलब पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट होता है, और हमने मोर देन मेडल्स, हमने दिल जीते, हमने हमने जनता कमाई. छोटे क्या बात कर रही है, इतना पसंद आया होगा लोगों को, हमने एंटरटेन करा अंदर जाके. गेम्स नहीं जीते तो क्या हुआ, दिल जीतना इंपॉर्टेंट है. ओके, सो आप दोनों ने कौन सी गेम्स खेली है? हमने खेली थी एक बचाओ, जिसमें चेयर किसका आगे जाना था, चेयर्स थे, रोप्स थे, और बचाओ था. एक बचाओ था, एक कोई यार वो बजर वाली. एक हमने एक गेम खेली जिसमें बजर वाली गेम थी, और हमें गाने पूरे रिवर्स आते थे, और हमें उनको गाने को रिकोगनाइज करके हमें बजर दबाना होता था. एंड उसमें तो हम माइनस में जीत के आए. टेन हो गया हमारे. वो मेरे को लगा पहला गाना वो है, प्यारा सा जाए तेरा दरबार भवानी, पर वो नहीं था. मेरे को पता नहीं क्यों लगा उन्होंने वो गाना चलाया होगा. सब जीरो पे थे और हम -10 पे थे. हाँ. सबसे हट के हम पीछे से फर्स्ट आए. जी की मैं बात करूं तो काफी सारे जी के लोग और भी आए हैं, तो किससे मिलके आपको ज्यादा खुशी हुई? रक्षंदा मैम,
मैं उनसे बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ. हम लोगों ने साथ में शो किया था नागिन 3 हमने आई थिंक 3 ईयर्स बैक. तो उनसे मिलके मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी हुई आज भी, और नॉमिनेशन वाले दिन भी मैं उनको देख के काफ़ी खुश हुआ था. बाकी ये लोग अपने बालाजी वाले यार ये तो मिलते ही रहते हैं. ओके सो आप दोनों से मेरा एक सवाल है, हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 2022? ओह ZRA अवार्ड, ZRA और द ईयर एज जर्नल एज अ प्रॉपर ईयर. ओके ओके यू गो फर्स्ट. ओके सो हाउ आई एम लुकिंग एट 2022 इज भाग्य लक्ष्मी रीचिंग द टॉप. माय कैरेक्टर is loved more and more. I am trying my level best and so is she and everybody else. हमारा शो ऊपर जाए, हम लोग ऊपर जाए, तरक्की करें और ये कोविड वोविड की मार से बचे रहें यार. दिस इज़ वेरी इरिटेटिंग. आपको लॉकडाउन वॉकडाउन नहीं चाहिए यार, बट मुश्किल से चीज़ें ठीक हो रही है यार, होने दो यार. तो ये मेरी दुआ है 2022 से कि ये कोरोना फोरोना ये ओमनिक्रोन फोमनिक्रोन दूर रहे हमसे, हम लोग स्वस्थ रहें, मज़े में रहें, और 2022 2021 से 100 गुना अच्छा हो. दैट्स इट मैम. हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड? सेम टू सेम. थैंक यू सो मच सर. ओके थैंक यू. Thank you. So you are here for interesting thing where two people are coming up, and so tell us something, what fun you have did inside? बहुत enjoy किया यहाँ पे. जब आए थे तो ऐसा दिमाग में मैं नहीं लेके आई थी कि मुझे गोल्ड मेडल चाहिए, सिल्वर मेडल चाहिए, ब्रॉन्ज चाहिए. But it was like, मैं enjoy करूँगी. So I enjoyed it and I'm really thankful and grateful to be here at the part of Z family. And I hope आगे भी ऐसे कुछ चलता रहे. But it was fun. It was too fun. Okay, so apart from your show, there were many people from Z. So किससे मिलके ज़्यादा खुशी हुई? सबसे मिलके खुशी हुई. सारे काफ़ी सारे शोज़ के दो दो लोग आए थे एंड सबसे मिलके अच्छा लगा. जितनी भी हमने गेम्स खेली सब दे वर वेरी स्वीट एंड चेयरिंग ईच अदर अप. सो इट वाज लाइक सब एक दूसरे के लिए खुश थे एंड या. ओके सो आपने बोले कि आपने गेम खेली, तो आपने यू वॉन यू लॉस, व्हाट वाज इट? एक सिल्वर मेडल मिला हमें और उसमें भी देयर वाज थिंग नींबू थे एंड आई वाज लाइक नींबू खत्म हो गए बट या वी गॉट द सिल्वर मेडल. ओके सो टॉकिंग अबाउट 2021, सो हाउ वाज दिस ईयर फॉर यू एज अ प्रोफेशनल लाइफ? अच्छा रहा, थैंक गॉड. मैंने बैक टू बैक कुछ ना कुछ काम किया है एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीवन हु बिलीव्ड इन मी एंड आई एम रियली हैप्पी. ओके सो हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 2022? आई होप 2021 से बेटर हो. सो यही उम्मीद करती हूँ एंड ये जो वायरस से सब चले जाएँ सो और ज़्यादा सबकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. Don't forget to wear your mask. It's corona time. Chalo, bye bye. Thank you.